क्रेन में ढेंडी बांध के ऊपर जब जाती है, ढेंडी रखे गए लोग और ऊपर ले गए, और बेसिकली जो यहाँ पे इवेंट वगैरह होगा यहाँ पे कल के दिन होने वाला है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? होप करता आप सब ठीक होगे और मस्त होगे। तो गाइस, आज मैं अपना जरीमरी में थोड़ा काम से आया था, तो काम निपटाते ही मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि रात रात हमारी है। तो गाइस बेसिकली आज आप सभी को पता है, मैं आज से मतलब ढेंडी जो लोग बनाते हैं, ढेंडी वगैरह मतलब जो हिंदू कास्ट के लोग हैं, हमारे भाई है, भाई जो है उन वो सारे लोग मतलब आज के दिन बहुत घूमते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले एक मतलब ट्रक की रैली गई थी, जो कि जो एक मेंबर होते ना टीम वाले जो यहाँ वहाँ यहाँ मतलब घूमते रहते लोग रात के दिन, तो ऐसी एक रैली गई, तो मैंने सोचा कि उसको कैप्चर करूँ, पर वो नहीं हो पाया। कोई नहीं, अभी हम घर जाते थे, कोई ना कोई तो मिल जाएगा हमें, तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दूँगा। तो बेसिकली सीन ये है, अभी रात के बज रहे हैं 12 और मैं अभी फ़िलहाल जरीमरी से निकल रहा हूँ। थोड़ा सा काम आ गया था जरीमरी में, सामान पहुँचाना था, तो काम वगैरह हो गया, तो मैं सोचा कि चलो टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो बना लेते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन चालू है, मुझे आइडिया नहीं है क्या है फेस्टिवल, मतलब ढेंडी का ही है, मैंने देखा नहीं, देखना चाहता मुझे। सो बेसिकली 7 तारीख को बैंक हॉलीडे वगैरह होगा, तो मैं भी कल, हमारी छुट्टी तो वैसे है नहीं, बैंक हॉलीडे में खाली बैंक बंद होता है हमारे, हमारा मतलब मैं जो फील्ड में काम करता हूँ ना वो कभी बंद नहीं होता भाई, फेस्टिवल में भी काम करना पड़ता वहाँ पे। तो कोई नहीं, यहाँ पे ये बात को छोड़ते हम कोई दूसरे टॉपिक पर आते। तो जैसे कि रात में मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग जरीमरी में क्या मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई 12 बज रहा है, मैं वॉच नहीं पहना हूँ ना, आप लोगों को टाइमिंग ज़रूर बताता कि अभी अभी हम मतलब अभी अब रोड पर जब निकलेंगे ना हाईवे पर, तो आप लोगों को देख के पता चल जाएगा कि हाँ भाई सही में रात हो गई है। फिलहाल अभी मैंने पेट्रोल वगैरह भरा है, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा यार, आज ही मैंने दोनों मिरर सही कराया था, ये देखो ये बाजू वाला मिरर को देखो, फिर से इसको ना लकवा मार लिया है, ये बार बार हिल रहा है, मुझे समझ में, मैं थक गया यार मिरर टाइट करा के, कभी ये ख़राब हो जाता है कभी ये ख़राब हो जाता है। अभी एक सीन ये हो गया ना, आज ही मैंने गाड़ी वीडी सब मतलब अच्छी बना दी है एकदम अच्छी खासी, तो अभी सीन ये हो गया है, पता नहीं गाड़ी में से आगे से कुछ अलग सा आवाज़ आ रहा है, खर खर, ये देखो अभी नहीं आ रहा, फिलहाल जब गाड़ी चालू करके ना चला रहा हूँ तो खर खर आवाज़ आ रहा है। भाई मेरे को समझ में नहीं आता है क्या मसला है गाड़ी का, कुछ बनाओ तो कुछ ख़राब हो जाता है, मैं ना एकदम भाई थक चुका हूँ गाड़ी बना बना के। इससे पहले मेरे पास NS बाइक थी, उसका भी सेम सीन था, गाड़ी बना बना के आधी सैलरी इसमें चली जाती थी मेरी, गाड़ी बनने को नाम ही नहीं लेती थी, तो इसलिए मैंने वो NS को बेच दिया, उसको मैंने बेच के इसको मैंने अपनाया, ये मस्त चली 1-2 साल, मस्त 3 साल चली, अभी ये 14 साल में अभी पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा, अभी खाली काम पे काम दिए जा रही, इंजन का काम कराया, अभी क्या क्या काम कराओ यार अभी इसका। कोई नहीं, यहाँ पर चहल पहल मतलब यहाँ पे गाड़ियाँ इसलिए क्योंकि जरीमरी का ये जो रोड है मतलब काफ़ी मतलब ये जो रोड है ना सीधा शॉर्टकट में लेके जाता है, साकी नाकर डायरेक्ट निकालता है, जो कि हंदेरी लिंक रोड वगैरह निकालना, किसी को जाना है लॉन्ग जगह जाना है, जैसे कि अपना थाने साइड जाना है या फिर हंदेरी जाना है या फिर गोरेगांव जाना है कुरला के तरफ से, तो ये काफ़ी मतलब शॉर्टकट रास्ता है, ये सारे लोग यही रास्ता अपनाते ताकि फटाफट पहुँच जाए, और सच में ये रास्ता बहुत ही शॉर्टकट है जरीमारी वाला। इवन एक और रास्ता है इसके पीछे का, इसके अपोजिट साइड में अगर आप लेफ्ट से जाओगे ना अपोजिट रोड पे, वहाँ पे मे बी 90 फीट रोड बोलते हैं उसको, वहाँ से तो उतना शॉर्टकट है ना, पर वहाँ पे 2-व्हीलर के लिए 4-व्हीलर के लिए वहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं, वहाँ पे गली से जाना पड़ता है, तो उस वजह से छोट मतलब 4-व्हीलर अलाउ नहीं है। तो भाई यहाँ पे खड्डे खुड्डी इतने ज़्यादा ना, मैं बात कर रहा तो खड़कुड़ा, बात भी मेरी थोड़ी वाइब्रेट हो रही है। जो ढेंडी का जो मतलब एक एरिया होता है ना कि यहाँ पे ढेंडी लगेगी, क्रेन वगैरह खड़ा करेंगे, स्टेज वगैरह लगाएंगे,
तो वो चीज़ वहाँ पे हो रही थी, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे खड्डा खुड्डी कितनी यार, ऐसा लग रहा है लद्दाख आ गया हूँ मैं, इतनी खड्डा खुड्डी यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा सीन ही क्या है भाई, बहुत खड्डा है यार, बहुत खड्डा है। ये देखो मैं ये बता रहा था, जैसे कि बेसिकली आप लोग देख सकते हो क्रेन आई हुई है, क्रेन में जो आप सभी को पता होगा, क्रेन में जब अपना क्रेन में ढेंडी बांध के ऊपर जब जाती है, ये देखो ये सब गेटअप यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये सब देख सकते हो आप लोग, इसमें ढेंडी में भी आ सकती है, यहाँ पे ढेंडी रखे गए ये लोग और ऊपर ले गए, और बेसिकली जो यहाँ पे इवेंट वगैरह होगा यहाँ पे कल के दिन होने वाला है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला था इस वीडियो में, तो दिखा दिया, कवर कर चुका हूँ भाई। तो अभी हम मारने वाले हैं यहाँ से राइट, यहाँ पे थोड़ा सा खतरा रहता है क्योंकि गाड़ी पीछे से भी आ रही है, यहाँ से भी जा रही है। देखिए आपने गैप देखे क्या, क्या गैप किया, इसको क्रॉस करते हैं फटाफट। हाँ भाई अब पास है, तो आप लोग यहाँ पे कुर्ला आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे होटल्स वगैरह काफ़ी मतलब चालू है अभी भी, रात में 3-4 बजे तक का परमिशन है, वैसे परमिशन नहीं है पर ये लोग चालू रखते हैं। कोई नहीं, इसे भी स्किप करते टॉपिक को, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। फिलहाल मैंने आज माइक चेंज किया है, तो माइक चेंज किया मीन्स दूसरा माइक लिया, क्योंकि वो माइक जो है थोड़ा सा मतलब कट गया था, हेलमेट रख के कट गया था, तो माइक भी चेंज करना पड़ा। ज़्यादा महंगा नहीं आता मेरा माइक, 100 रुपये का ही है, सस्ते में काम हो जाता मेरा, पर जो उसका कॉर्ड है ना भाई, 700 रुपये का कॉर्ड है, खाली छोटा सा कॉर्ड है, मैंने मेरे पुरानी वीडियो में बताया होगा, तो आप लोग देख सकते हैं जाके, माइक के ऊपर भी मेरा एक अलग से एक वीडियो है, तो अगर आप सभी को देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप लोग जाके सर्च चेक कर लो, ऑलरेडी वहाँ पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो भाई हमने गैप मारते हुए निकल गए, तो ये है पुलिस वाले, तो अभी हम पहुँचे हैं कुर्ला। मैं अभी घर आके वीडियो एडिटिंग वगैरह करूँगा, फिर एडिटिंग करने के बाद एक्सप्लोटिंग करूँगा, मतलब वीडियो को ऐप से निकालूँगा। मैं एडिटिंग वगैरह मोबाइल से करता हूँ, मेरे पास ना तो लैपटॉप है ना तो कंप्यूटर है, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, एक सिंपल सा आईफोन है, सब कुछ आईफोन में ही कर रहा हूँ मैं। थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि वीडियो क्वालिटी गिर जाती है, क्योंकि मोबाइल से तुम कितना भी एडिट कर लो ना, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाती है, ये तो मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने 1-2-3-4 वीडियो मैंने कुछ कंप्यूटर से एडिट किया था या फिर लैपटॉप से एडिट किया था, तो उसमें मुझे समझ में आया था, तो फिर बाद में पता चला। देखो यहाँ पे भी क्रेन वगैरह खड़ी है, यहाँ पे भी मतलब कल की प्लानिंग चल रही है ये लोग की भी, आप सभी को पता होना चाहिए यार, पता होगा मतलब बहुत से लोग को पता होगा कि D&D के टाइम पे लोग क्रेन लगा के मतलब फिर वहाँ पे अलग अलग कंपटीशन होता है, थर लगाते हैं 4 थर 5 थर, फिर उनको इनाम मिलता है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे मतलब होने वाली है। कहाँ कहाँ होने वाली है मैं आप लोगों को कुर्ला के नियर बाय में बता दिया, तो जो भी मतलब अभी ये मेरी वीडियो तो बहुत डिले लेट अपलोड होने वाली। सो गाइस आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो आप सभी को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, पर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, 1K सब्सक्राइबर कर दो यार प्लीज़ कर दो, एक मतलब जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू लोग हैं ना यार, आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ इस चैनल पर और इस वीडियो पर, तो भाई अभी मैं तुम्हारी इतनी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, तुम आप लोगों की भी एक रेस्पेक्ट के लिए मेरी खुद की एक वीडियो मतलब देख कर आप सभी लोग मतलब जा रहे हो, तो अगर आप सभी लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब ही कर दो यार, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि मैं भी और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छा अच्छा इम्प्रूवमेंट करते रहूं, ताकि आप लोगों को भी खुश करूं वीडियो दे के अच्छी खासी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी।